मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित कस्बा कैर के गांव में पंचायत ने फैसले के नाम पर किशोरी की अस्मत की कीमत लगाई। दरअसल चार दिन पहले सहेलियों के साथ बथुआ तोड़ने खेत पर गई किशोरी से चार युवकों ने तमंचे के बल पर सामूहिक दुष्कर्म कर किया। तीन दिन तक आरोपियों ने मामले को दबाने का प्रयास किया। पंचायत भी हुई जिसमें फैसले के नाम पर किशोरी की अस्मत की कीमत लगाई गई। किशोरी के पिता ने दबाव नहीं माना और चौथे दिन थाने आकर मुकदमा दर्ज करा दिया। तब यह मामला मीडिया तक पहुंचा। 2 जनवरी को गांव के में मेहनत मजदूरी करने वाले संप्रदाय विशेष के एक व्यक्ति की 14 साल की बेटी को दो सहेलियां खेत में बथुआ तोड़ने के लिए साथ ले गई थी। वे बथुआ तोड़ रही थी कि तभी गांव के दासी सोनू समेत चार युवक आ धमके। उन्होंने दोनों सहेलियों को बहाने से घर भेज दिया, फिर किशोरी से छेड़छाड़ करने लगे। विरोध पर तमंचा दिखाकर मुंह में पकड़ा ठूंस कर फिर दुष्कर्म किया। काफी देर तक किशोरी घर नहीं पहुंची तो छोटा भाई तलाशते हुए खेत पर पहुंचा। आरोप है कि युवकों ने उसे भी धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। किशोरी अपने भाई के साथ घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। परिजन किशोरी को लेकर थाने जा रहे थे तभी आरोपियों ने रास्ते में रोक कर धमकाया। गाँव में 2 दिन तक पंचायत भी चली और मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया। किशोरी की अस्मत की कीमत तक लगा दी गई। पीड़िता के पिता ने पंचायत की बात मानने से इनकार कर दिया। बीते दिन पिता बेटी को लेकर थाने पहुंचा और मुकदमा लिखाया। पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार पांडे ने बताया कि इस मामले में पीड़ित पिता की तहरीर पर नाजरीन के खिलाफ धोखे से बुलाकर ले जाने दासी सोनू और उनके दो साथियों पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी फरार है। पंचायत में अस्मत की कीमत लगाने के मामले की जाँच की जा रही है। ऐसा करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। लड़की से बदतमीजी करी है पंचायती भाई। पैसे देने का दवा डाले के पैसा ले लिया। फैसला कर लिया। हम तुम्हें मतलब मारेंगे पीटेंगे। नहीं दिया। कार्रवाई कर दी।